से भरा परमेश्वर। प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम खास कर परमेश्वर की प्रेम, करुणा और दया को दिखाने के लिए बनाया गया है। आइए आज परमेश्वर की दया हम पर क्या प्रकट हुई है उसके बारे में मनन करते हैं। आज उसकी दया का विषय है कि प्रार्थना करें, स्तुति और धन्यवाद दें। मेरे अनमोल मित्र, प्रभु ने आज आपकी आशीष के लिए पहले से ही सब कुछ योजना बना ली है। आज आपको जो प्रतिज्ञा दी गई है वह भजन संहिता 45 उसका 17 सी है, जिसमें भजनकार कहता है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे दोस्त, आपको न केवल परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए बल्कि उसकी स्तुति भी करनी चाहिए। तीसरे, जो कुछ उसने किया है उसके लिए आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य आदि के लिए उसकी स्तुति करें। साथ ही आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको अपने जीवन की हर पल का आनंद लेने के लिए क्या दिया है, तब आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। तो इन तीनों को याद करें। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसकी स्तुति करें कि वे कौन है। जैसे ही आप उसे और ऊंचा करेंगे, आप उसे अपने जीवन में एक महान ईश्वर के रूप में अनुभव करेंगे। जैसा कि आप कहते हैं, हे परमेश्वर, आप एक सामर्थी परमेश्वर हैं और आपके पास हर पहाड़ को तोड़ने की पूरी शक्ति है। वह आपके जीवन में एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर के रूप में अपनी शक्ति दिखाएगा और आपके जीवन में हर पहाड़ को तोड़ देगा। जैसा कि आप कहते हैं, मेरे लिए आपके महान प्रेम के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ, तब आप अपने मन में उनकी उपस्थिति के आनंद को महसूस करेंगे और फिर उसे इस संसार में जीने के लिए हर चीज के लिए धन्यवाद देंगे। उस परिवार के लिए धन्यवाद जो उसने आपको दिया है और उसे आपके काम के लिए धन्यवाद करें। आपके पास चावल के एक दाने के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हर चीज में कई गुना बढ़ जाएगी। जब आप उसको धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह कई गुना और बढ़ जाएगा और आपके पास संसार की हर चीज में पर्याप्तता होगी और आपके पास परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिकता में चलने में भी पर्याप्तता होगी। तीसरा, उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी इच्छा आपको दिखाने के लिए प्रार्थना करें। जब आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्याएं हों, तो परमेश्वर से उसके विषय में अपनी इच्छा दिखाने के लिए कहें और प्रभु उसे दिखाएगा। जैसे आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ काम करेगा और आपके लिए सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ से पूरा होगा। परमेश्वर आपको अपनी इच्छा पूरी करने और आशीषित होने का अनुग्रह देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आप पराक्रमी, सामर्थ्यशाली, दयालु और अनंत हैं। हे पिता, आपने मेरे जीवन में जो भी आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, आप उन जरूरतों और परीक्षाओं को जानते हैं जिनसे मैं गुजर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे उनके विषय में अपनी इच्छा दिखाएं, उसे पूरा करने में मेरी सहायता करें और अपने नाम की महिमा करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे वीडियोस रोज 9 बजे हर दिन प्रीमियर द्वारा दिखाए जाएंगे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।